वहीं बुरहानपुर में चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, सभी जगह मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी है। इसके पूर्व भी मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ झाला खबर दिखाई थी, बावजूद इसके जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। वहीं शाहपुर के उर्दू उच्चतर महाविद्यालय का मामला है, जहां चार महीने से खबर आ रही है कि खराब गेहूं और चावल, जहां पालकों का आरोप है कि गेहूं और चावल को जानवर भी ना खाए, ऐसा अनाज बच्चों को परोसा जा रहा है। पालकों के हंगामे के बाद उर्दू स्कूल के प्राचार्य पर भी आरोप लगे और वहीं जागरूक पालकों ने मीडिया को बुलाया। छात्रों का यह भी आरोप है कि खाने में पन्नियां निकलती हैं, जब अनाज ही खराब हो तो मिड डे मील कैसा रहेगा। मेरे को आज शिकायत मिली तो मैंने मीडिया वालों को बुलाया, सिराज भाई को फोन करा, गंभीर भाई को फोन करा जो उपाध्यक्ष है, तो भाई खराब गेहूँ आ रहा है यहाँ पर, और ये आशीष सर जो हमारे प्रिंसिपल है, तो जब भी खराब गेहूँ आता है ये अर्जुन को बोलते हैं कि भाई गेहूँ बदलाते, तो बदलाता नहीं है, और ये बोलते कि हम शिकायत करेंगे। आज उसको हमने शिकायत करेंगे भाई हम बतला दे, तो माना नहीं, इसके लिए हमने आज मीडिया को बुलाया यहाँ पर। कितने दिन स्कूल के अंदर गाँव अच्छा आता है, अनाज अच्छा आता है, और वो ये बोलता है कि तुम्हारे जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है चल चले जाओ। स्थिति ये हो रही है भाईजान की, यहाँ पर चार महीने से जो अंधा कानून चल रहा है अर्जुन द्वारा, और इसमें आसिफ सर हमारे जो उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल है, इनके अंदर उनका भी थोड़ा हाथ दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने उनको मना करा कि तुम अर्जुन को मत बुलाओ, मैं पत्रकार बंधुओं को बुला रहा हूँ, तो उन्होंने अर्जुन को बुला लिया और बोले ये वापस लेके जाओ, दूसरा लेके आ जाओ, तो बोले ठीक है। मतलब ये चार महीने से अंदर कानून चल रहा है, जिसमें आसिफ सर का भी उसमें हाथ दिख रहा है मुझे। भोजन में क्या परेशानी आ रही है, भोजन में क्या परेशानी आ रही है, फले फूले निकलते हैं, तुमने तुम्हारे टीचर को सर को बुला लिया, किनको बोल दो, समस्या ये है, मैं आई यहाँ तो गौ खराब थे, क्योंकि मैंने गौ कब से आए, तो बोले कब से आया, तो ये गौ अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, तो बोला अर्जुन ने अनाज नहीं देगा, बोले कि उर्दू शाहपुर के उर्दू स्कूल में खराब गेहूँ भेजा जा रहा है कंट्रोल दुकान की तरफ से, तो आपने कभी इसकी शिकायत करी कहीं पे? नहीं, वो शिकायत क्या, उसको बार बार बोलो अपन सेल्समैन को, कौन है सेल्समैन, ये अर्जुन है, क्या नाम है पूरा, अर्जुन, और वो उसको अपन शिकायत करो तो बोला सर जो कट्टा खराब निकले वो लेकर आना, वो बदल दूंगा, लेकिन हमेशा ज्यादातर ऐसी माला थे। आपने कभी ऊपर अधिकारी को शिकायत करी इस बारे में? हाँ, उसको बार बार बोलते, बार बार शिकायत करते हैं कि भाई अच्छा माल दो, फ्रेश माल दो, लेकिन वो ये माल देते हैं, अगर कोई कट्टा खराब आए अपन चेक करो तो फिर उसको बदलाओ, वो बदल देते। इस मामले में पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर। जी गोपाल, तो ये मध्यान्ह भोजन को लेकर फिर से गड़बड़ी सामने आ रही है, बुरहानपुर में ऐसा ही एक मामला आप लेकर आए थे, अब ये क्या मामला है? जी बता देना चाहूंगा मुस्कान कि बुरहानपुर जिले में जो है नौ निहालों का निवाला छीनने पर जो है आतुर हो चुके हैं। जिस तरह से हमने पूर्व में भी जो है मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ झाला खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और उसके बाद एक बार फिर जो है शाहपुर में इस तरह की घटना देखने में आई कि यहाँ जो गेहूं था वो बिल्कुल भी जो है खाने योग्य नहीं था, यानी कि इस तरह का गेहूं जिसे कि जानवर भी नहीं खाए, वो वहाँ बच्चों को जो है परोसा जा रहा था, उसकी रोटी बनाई जा रही थी, जिसके बाद जो है जैसे ही संज्ञान में आया पालकों के, पालक वहां पहुंचे और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। जी मुस्कान, पालकों का इस पर गुस्सा फूट चुका था, बच्चे भी इससे गुस्सा हैं, और ना ही बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ना ही उनके मध्यान्ह भोजन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो पालकों का इस पर क्या कहना था? जी गोपाल, आप सुन सकते हैं? जी गोपाल, आप सुन सकते हैं? तो जैसा कि इस मामले में पालक भी आक्रोशित दिख रहे थे, बच्चे भी गुस्से हैं, बच्चों को ना ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अब उनके मध्यान्ह भोजन में लगातार दूसरा मामला है, इससे पालकों में काफी आक्रोश है, तो पालकों का क्या कहना है?
जी तो जैसे इस मामले में पालक भी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, ये टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, और वही बच्चे भी इससे काफी गुस्सा हैं, बच्चे भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो ना ही स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ना ही बच्चों को अच्छा मध्याह्न भोजन खिलाया जा रहा है। पालकों का इस पर क्या कहना है? मुस्कान, जिस तरह से यहाँ पर शाहपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उर्दू का यदि हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों को ठीक से ना तो भोजन मिल रहा है, ना ही किसी प्रकार से इनका जो है शिक्षा मिल रही है, जिसके बाद यहाँ पर जो है बच्चों में आक्रोश के साथ साथ पालकों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब इसकी बात हमने जिला पंचायत सीओ से भी की है तो जिला पंचायत सीओ ने जो है इस मामले में संज्ञान लेने को कहा है और शीघ्र ही जो है कार्रवाई की बात भी कह रही है, क्योंकि पूर्व में भी जो है इस प्रकार का मामला जब एमके न्यूज ने उठाया तो उसके बाद यहाँ पर जो है जिला पंचायत सीओ के संज्ञान में आया, जिला पंचायत सीओ ने जो है इसकी जांच की बात भी कही है। जी जी, आपने बताया कि इस पर अभी निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, इस पे के लिए कदम उठाया जाएगा, लेकिन एक सेलर का नाम आ रहा है जो एक इंसान है जो इसके तरफ से खराब गेहूं बेचे जा रहे हैं। जी गोपाल, आप सुन सकते हैं? जी जी मुस्कान जी, तो वही खराब गेहूं और चावल भी बेचा जा रहा है, तो किसकी ओर से गलती हो रही है, कहां से ये खराब गेहूं और चावल आ रहे हैं बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए? निश्चित तौर पर जो ये मध्याह्न भोजन का जो गेहूं और चावल है ये सोसाइटियों से जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, राशन दुकानों से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि बच्चों को आखिरकार इस तरह का भोजन दिया जाना जो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है काफी हानिकारक है, और इस प्रकार की जो यहाँ पर देखा जा रहा है स्कूल के अंदर, तो ये कई एक स्कूल का मामला नहीं बल्कि बुरहानपुर जिले में कई स्कूलों का मामला है। इससे पूर्व भी जिस तरह से हमने इस बात को उठाया था कि बच्चे जो है स्कूल में भोजन नहीं करते लेकिन उनकी उपस्थिति जो है 100% लिखी जाती है, और ऐसा ही मामला पूरे बुरहानपुर जिले में है जहाँ जो है इनके निवाले पर जो है डाका डाला जा रहा है और इनके निवाला छीना जा रहा है। जिस तरह से खराब मध्याह्न भोजन देना ये कहीं ना कहीं जो है एक साजिश के तहत आ रहा है। जी मुस्कान भाई, इस गड़बड़ झाले मामले में किसी का कोई बयान आया है, विद्यालय के प्राचार्य का या कोई अधिकारी का? विद्यालय के प्राचार्य आसिफ खान का यही कहना है कि हमने भी जिस तरह से देखा और हमने इसकी शिकायतें कई बार की है लेकिन इस पर जो है एक्शन नहीं लिया गया, और एक्शन ना लेने का आखिरकार क्यों इस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बात जो है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है आखिरकार कि क्यों यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से प्राचार्य भी कह रहे हैं कि हमारे भी संज्ञान में है, और यहाँ पर यदि हम बात करें गेहूं की तो गेहूं है या मिट्टी, ये दोनों में जो है देखने वाली बात होगी कि गेहूं गेहूं में मिट्टी है या मिट्टी में गेहूं, इसे ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। और जो जिस तरह से गेहूं की जो मात्रा जिस तरह से देखी जा रही है तो बहुत ही खराब दशा में यहाँ पर गेहूं था, और जिसे कि एक जानवरों को भी खाने योग्य नहीं है गेहूं, उसकी रोटी जो है नौ निहालों को खिलाई जा रही थी। जी जी जी, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गेहूं में गेहूं कम और मिट्टी ज्यादा दिख रही है, तो फिर अब यह पहले भी और भी विद्यालय में हो चुका है और यह दूसरा मामला नहीं तीसरा मामला होगा जो आप हमारे सामने ला के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कब तक इसमें सुधार हो सकता है? निश्चित तौर पर जिस तरह से जिला पंचायत सीओ सृष्टि देशमुख से जो है हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा मंगलवार जो है इस विषय को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे, और उन्होंने जो है आमने सामने बात करने को कहा है, क्योंकि छुट्टी पर थी जिला पंचायत सीओ जिसके कारण जो है चर्चा नहीं हो पा रही थी, अब जो है उन्होंने मंगलवार का समय दिया है, आखिरकार देखना होगा कि क्या मंगलवार के बाद जिला पंचायत सीओ इसमें एक्शन मोड में आती है या फिर वही धरना चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि देखना होगा कि कब एक्शन मोड में आती है प्रशासन। अब बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।